दोस्तों जनता कनेक्ट के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मोटोरोला की ओर से आने वाले लेटेस्ट स्मार्टफोन मोटो एस 30 प्रो की बात करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, आने वाली 24 फरवरी को कंपनी एक ग्लोबल इवेंट आयोजित करने वाली है और इस इवेंट के मंच से मोटो एस सीरीज का नया स्मार्टफोन भी पेश किया जा सकता है। कंपनी इस दिन अपना फ्लैगशिप फोन मोटो एच 30 प्रो लॉन्च करने की तैयारी में है और 24 फरवरी को ग्लोबल लॉन्च के साथ ही ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में भी एंट्री ले लेगा। मोटोरोला इंडिया ने भी आज अपने आने वाले स्मार्टफोन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीज कर दिया है। मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में क्या फीचर्स मिलेंगे और इसकी कीमत क्या होगी, ये सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखते रहिए जनता कनेक्ट। सबसे पहले तो आपको बता दे, कंपनी ने मोटोरोला एच 30 प्रो स्मार्टफोन चीन में लॉन्च किए गए मोटो एच एक्स 30 स्मार्टफोन का ही रीब्रांडेड वर्जन बताया जा रहा है। मोटो एच एक्स 30 चीनी बाजार में दिसंबर महीने में लॉन्च हुआ था और इस फोन की स्पेसिफिकेशन पहले से ही सामने आ चुकी है। चीन में ये मोबाइल फोन तकरीबन 38,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया था और उम्मीद है कि 24 फरवरी को इंडिया में भी ये मोबाइल फोन इसी प्राइस सेगमेंट में एंट्री ले लेगा। ऐसे में अगर मोटो एच 30 प्रो वाकई में मोटो एच एक्स 30 स्मार्टफोन का ग्लोबल मॉडल बनकर सामने आता है तो इस फोन में 6.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी। ये स्क्रीन OLED पैनल पर बनी होगी जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगी और ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर टेक्नोलॉजी से लैस होगी। मोटो एच एक्स 30 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट मिलता है जिसमें 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा। इसी तरह सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए ये स्मार्टफोन 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सपोर्ट करता है। पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो 68 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इंडिया में लॉन्च होने वाले मोटो एच 30 प्रो इन्हीं फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया जा सकता है। मोटो एज एक्स 30 ही की बात करें तो चीन में यह फ़ोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 पर लॉन्च हुआ है जो MIUI 3 के साथ मिलकर काम करता है। इसी तरह प्रोसेसिंग के लिए इस फ़ोन में क्वालकॉम की ओर से आने वाले लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 चिपसेट दिया गया है। यह मोटोरोला फ़ोन 12 GB रैम मेमोरी और 256 GB तक की इंटरनल स्टोरेज सपोर्ट करता है। वहीं बेस मॉडल में ये फ़ोन 8 GB रैम के साथ आता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसे ही टेक खबरों के लिए जनता कनेक्ट को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।